पारस के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तोड़ने वाले महबूब अली कैसर ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। अब वो चिराग के साथ नजर आ रहे हैं। महबूब अली कैसर का कहना है कि वो खगड़िया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खगड़िया की जनता के लिए काम किया है। तो वहीं चिराग से मिलने के बाद सांसद वीणा देवी ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से अगर टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछली बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़े थे, क्या इस बार चिराग पासवान के पार्टी से आप लड़ रहे हैं खगड़िया? मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा मेहनत और काम खगड़िया में किया हुआ है, वहाँ की जनता का जो प्यार मिला है और हमने भी जो प्यार दिया, जो काम किया जी, तो खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं। स्वतंत्र है, सबको अधिकार है, अगर उम्मीदवार है तो इसी तरह। आपको आश्वासन मिला? जहाँ चीनी गिरता है वही ना छुट्टी लगता है। मतलब आपको कुछ हो चुका है, आपको आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है चिराग पासवान की तरफ से? अब आप मुस्कुरा रही हैं, मैं मतलब सब कुछ हो गया क्या? आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं नहीं, पार्टी का जो आदेश है। नहीं मिला तो भी लड़ेंगे क्या? नहीं नहीं लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने लोकसभा चुनाव फ्री फेयर और पीसफुल करने का दावा किया है। पटना में नॉर्थ और साउथ बिहार के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने कई दिशा निर्देश दिए। बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सभी डीएम ने चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे बिहार में फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शंस किए जाएं, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे डीएम्स जो हैं पूरी तरह से गियर्ड अप हैं, हमारी इलेक्शन मशीनरी, जिलाधिकारी, आरक्षी, पुलिस अधीक्षक, सभी लोग पूरी तरह से गियर्ड हैं। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हों। हमारे जो इलिसिट लिकर के लोग काम कर रहे हैं इलिसिट लिकर में, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और हम अधिक से अधिक जो बॉर्डर एरियाज में खासकर जो इलिसिट लीकर का आवाजावन होता है उसको भी हम लोग रोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने सभी विंग को हर तरीके से तैयार कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। ये संगठन के तौर पे संगठन में कैसे हम लोग पले बढ़े, जैसे स्कूल में एक शिक्षा ग्रहण करते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखेंगे कि प्रत्येक विभाग का हमेशा कुछ न कुछ प्रशिक्षण चलता रहता है। आज किस चीज को लेकर फोकस करेंगे? ये संगठनात्मक प्रशिक्षण है। डिप्टी सीएम